शेख जुही, रुख करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के बोली थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। इसका दिल दहला देने वाला एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी फुटेज में ट्रक ड्राइवर की लापरवाही साफ नजर आई। इस हादसे में 3 विवाहित जोड़ों की एक साथ मौत हो गई। झालावाड़ जिले के झालरा पाटन सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर एक ड्राइवर से लूट के मामले में फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बारा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया। एक बेटे ने अपने ही मां बाप को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया और खुद थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना के बाद जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी डिग्री और जाली दस्तावेजों को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसके कारण 6,500 आवेदन वापस लिए गए। बोर्ड ने अयोग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन वापस लेने की समय सीमा बढ़ा दी। फर्जी डिग्री और अन्य जाति दस्तावेजों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एक मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव, DGP और RPSC सचिव को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस के जरिए पूछा है कि फर्जीवाड़े से नियुक्ति लेने वालों को हटाकर योग्य उम्मीदवारों को चयन क्यों नहीं किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने मामले की पैरवी की। सुनिए राम प्रताप सैनी ने क्या कुछ कहा। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती 2021 जो SI भर्ती 2021 है उसमें फर्जीवाड़े से लगे अभ्यर्थियों को हटाकर उनकी जगह योग्य आदमियों को नियुक्ति देने के मामले में हाईकोर्ट ने गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक व सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश राजेंद्र सेन की याचिका पे जस्टिस गणेश राम मीणा जी की एकलपीठ ने दिया। हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका लगाई थी हमने कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें पेपर लीक प्रकरण है या जिसमें इंटरव्यू के अंदर सेटिंग हुई है कि इन लोगों को उन्हें नियुक्ति दे दी गई थी, कई ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जिनकी जगह डम्बी कैंडिडेट्स ने परीक्षा दी, तो ऐसे अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार की जो SOG है उसने गिरफ्तार किया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, साथ ही वो इस समय न्यायिक अभिरक्षा में हूं। ऐसे अभ्यर्थियों को हटा के उनकी जगह जो वेटिंग में अभ्यर्थी है उन्हें नियुक्ति जाने को लेकर हमने याचिका लगाई है, जिसकी आज सुनवाई हाईकोर्ट ने, जिसपे 2 सप्ताह में नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में हैदराबाद में रोड शो किया और इस दौरान जनता को संबोधित भी किया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक अमानतुल्ला खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। ADCP मनीष मिश्रा ने कहा, हमें सूचना मिली कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मामला दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सरकार चलाने के लिए जेल में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ मीडिया में मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर सनसनीखेज खबरों पर रोक के लिए डाली गई याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 का जुर्माना भी लगाया। सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उनके विधायक पिता HD रेवन्ना के खिलाफ 4th FIR दर्ज की गई है। एक और पीड़िता ने सामने आकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं मामले में JDS ने CBI जांच की मांग की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुरक्षा पर सेंध लगाने वाला गठबंधन है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुरक्षा पर सेंध लगाने वाला गठबंधन है। हर व्यक्ति की जेब को में डकैती डालने वाला गठबंधन है। देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद को भड़काने वाला गठबंधन है। यह गठबंधन तो राम मंदिर का विरोध करने वाला गठबंधन है। बहनों और भाइयों, प्रोफेसर राम गोपाल यादव को राम मंदिर कैसे अच्छा लग पाएगा, क्योंकि ये लोग तो आतंकवादियों को छुड़ाते हैं जेल से। देखा होगा आपने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने संकट मोचन मंदिर काशी पर हमला किया था,
जिन आतंकवादियों ने, बहनों और भाइयों, जिन आतंकवादियों ने लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था और जिन आतंकवादियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था, ये सभी हमले समाजवादी पार्टी की 2004 से लेकर 2007 तक की सरकार के समय हुए थे। आज खबर दिनभर में सिर्फ इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आप सिर्फ रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।